India. Why? Why is India great? Hello friends, welcome back to my another reaction. আজকে সাথে আরেকজন আসছে। আমরা তিনজন আছে, এ হচ্ছে দ্বিতীয়জন। ওকে আজকে কোনো গান অথবা মুভি ট্রেলার রিয়াকশন দিচ্ছি না। আজকে রিয়্যাক্ট করব, আমার কিছু সাবস্ক্রাইবার আমাকে রিকোয়েস্ট করছে যে এই বিষয়টা রিয়্যাক্ট করার জন্য। এটা হচ্ছে ওয়াই ইন্ডিয়া ইজ গ্রেট। সো আই ডোন্ট নো এটাতে ভিডিওতে কী কী আছে, আমি ভিডিওটা দেখবো আগে, তারপর দেখি তারা আমাকে কেন রিকোয়েস্ট করলো আমি তো জানি না। আই হোপ ভিডিওটা ইন্ডিয়া সম্পর্কে ভালো পজিটিভ কিছু আছে। সো যারা আমার চ্যানেলে নতুন এবং যারা আমাকে প্রথম দেখছেন, আশা করি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আর আমার এই ছোট্টো কিউট ক্যান্ডির জন্য সবাই অনেক ভালোবাসা দিবেন। আমার এই ক্যান্ডি কিন্তু অনেক দুষ্টু। সো আমি ওকে রেখে দিই, ওকে নিয়ে আসলে ভিডিও করা যাবে না। সো যাও, তুমি যাও। ওকে তাহলে দেখি ভিডিওটাতে কী আছে। नमक होना हो, लेकिन हर एक भारतीय के खून में देश का नमक जरूर होता है। कपड़े और कार तो बाद की बातें हैं, यहाँ सोच ब्रांडेड होती है। नल में पानी भले थोड़ा लेट आए, लेकिन चांद में पानी सबसे पहले हमारे चंद्रयान 1 सैटेलाइट ने ही डिटेक्ट किया था। एंड इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड 104 सैटेलाइट्स। इट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च्ड ऑन अ सिंगल फ्लाइट बाय एनी स्पेस एजेंसी इन द वर्ल्ड। और इंडिया में खेल सिर्फ खेल नहीं होता, जैसे खेलों का जन्म भी भारत में हुआ है। भारत को अगर पर्व और त्योहारों का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जितने फेस्टिवल यहाँ मनाए जाते हैं शायद ही किसी और देश में मनाए जाते हैं। अनेकता में एकता की झलक दिखाते ये त्योहार देश की संस्कृति की महानता को उजागर करते हैं। और इंडिया वालों की बातों में जो बात है उसे आप बातों बातों में समझने की कोशिश करना, और अगर कोई बात समझ में ना आए देन इट्स योर फॉल्ट, क्योंकि भाषाओं के मामले में भारत विश्व का सबसे समृद्धशाली देश है। यहाँ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। और तो और इंडिया वर्ल्ड का दूसरा सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाला देश है। कुछ भाषाएं बड़ी तीखी है तो कुछ बड़ी मीठी। वैसे मीठी से याद आया, शुगर वॉज फर्स्ट कंज्यूम्ड इन इंडिया, और 2013 के बाद से इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन चुका है। ये तो थी शक्कर और दूध की बात, और इन दोनों के बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बी फॉर बर्थ और डी फॉर डेथ के बीच में यहाँ सी फॉर चाय होता है। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वेजिटेरियंस भी इंडियन क्यूजींस, और यहाँ के मसालों की वाइड वैरायटी ने दुनिया को चटपटेपन का जायका दिया, क्योंकि बड़ा पाव एक इमोशन। और भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हमारी बातें सुनकर अब आप सबको इंडियन फूड की वैल्यू तो समझ में आ ही गई। इंडियन फूड सही फूड होती है, ये पूरी दुनिया में सबसे पहले आचार्य बुद्ध्याना ने कैलकुलेट किया था, वो भी 6th सेंचुरी में। और वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला 700 BC में इंडिया में थी, जिसमें 10,500 से ज्यादा लोग 60 से भी ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, डेसिमल सिस्टम और भी बहुत कुछ, ये सब इस दुनिया में सबसे पहले भारत ने ईजाद किया। आयुर्वेद वर्ल्ड का ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन है। भास्कराचार्य ने सबसे पहले ये गणना की थी कि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाती है। सुश्रुता को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, जिन्होंने आज से 2600 साल पहले अपनी टीम के साथ प्लास्टिक सर्जरी, फ्रैक्चर और इवन ब्रेन सर्जरी तक कर चुके थे। ये तो थी पुरानी बातें। आज की बात करें तो भारत की शकुंतला देवी ने इस फिगर को 28 सेकंड में कैलकुलेट करके वर्ल्ड के ह्यूमन कैलकुलेटर की उपाधि हासिल की है। और ये किस्सा नहीं, कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा देश 17th सेंचुरी में वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कंट्री हुआ करता था। 1896 से पहले इंडिया पूरे वर्ल्ड में डायमंड का इकलौता सोर्स था। दुनिया के कुछ सबसे बड़े उद्योगपति भी भारतीय हैं। एंड इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। यहाँ सिनेमा सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है, लाइफस्टाइल है, क्योंकि इस प्लेनेट में बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फिल्म बनाई जाती है।
और वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट एक्टर भी इंडियन है, नाम तो सुना ही होगा। इंडिया हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूट्यूब चैनल इन द वर्ल्ड। एक आम भारतीय नेटफ्लिक्स की एक पूरी सीरीज ऑन एन एवरेज 3 दिन में देख लेता है, जो कि नेटफ्लिक्स के आंकड़ों के अनुसार सबसे तेज है। एंड इंडिया हैज फास्टेस्ट ग्रोइंग टेलीकॉम मार्केट इन द वर्ल्ड। इंडिया से सस्ता 4G नेटवर्क दुनिया की किसी और कंट्री के पास है ही नहीं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य बल हमारे पास है। 26 मई को स्विट्जरलैंड में साइंस डे मनाया जाता है हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के सम्मान में। इंडियन रेलवे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, जिसने 1.3 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। भारत आज चांद तक पहुंच गया, लेकिन कुछ भारतीयों को शौचालयों तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, बिकॉज इंडिया हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन। कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मार्शल आर्ट, योग, ये सब हमारी सभ्यता की देन है। जीरो से लेकर USB को बनाने वाला भारतीय था। टॉयलेट फ्लश की टेक्निक और शैंपू से लेकर कार्बन पिगमेंट से बनी पेन की इंक, सी शेल से बनी शर्ट की बटन, ये सब कुछ उस देश की देन है, जहाँ आहार में तो कमी हो सकती है लेकिन संस्कार में कमी नहीं होती। जहाँ जो किसी भी दूसरी मुस्लिम कंट्रीज तो क्या, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। जहाँ एक चाय बेचने वाला इंसान अपनी मेहनत, अपनी सोच, अपनी काबिलियत से देश की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। जहाँ देश को देश नहीं माँ, भारत माता समझा जाता है। ऐसे अखंड भारत का नागरिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए, और यही वो चीज है जो भारत को एक महान देश बनाती है। दैट्स व्हाई इंडिया इज ग्रेट नेशन। और अगर आपका दिल भी इन बातों से जोर से धड़कने लगा है, तो इसे अपने साथियों से जरूर शेयर कर। वंदे मातरम। ओके, এই ছিল ভিডিওটা এবং ওয়াই ইন্ডিয়া ইজ গ্রেট ভিডিওটাতে অনেক কিছুই দেখাইছে, আপনারাও দেখেছেন। এটা আসলে আমি কি বলবো, যারা ইন্ডিয়ান তারা আসলে এটার এগুলার মর্মটা ভালো করে বুঝবে। আমি আসলে দেখলাম অনেক কিছুই অজানা ছিল এখানে, যেটা জানলাম আর কি। প্রত্যেকটা দেশের কিছু নিজস্ব কালচার থাকে, ইন্ডিয়ারও আছে, আমাদের দেশেরও আছে। বাংলাদেশ তো ইন্ডিয়ার প্রতিবেশী, আমরা অনেক কিছুই ইন্ডিয়ার থেকে আমাদের ভিতর চলে আসছে, অনেক কিছুই আছে আমাদের এরকম। বর্তমানে যে হানাহানি, যে সমস্যা চলছে, এগুলো আসলে দূর করা উচিত। দেশকে ভালোবাসলে আসলে হিন্দু মুসলিম এই ব্যাপারগুলো সামনে আসার কথা না। বাট আমরা বর্তমানে যে অবস্থা, মানে সবাই এই মানে রিলিজিয়ন ব্যাপারটাকে নিয়ে খুব বেশি ইস্যু হয়ে যাচ্ছে, ইন্ডিয়াতে বলেন আমাদের দেশে বলেন। তো ভিডিওটা ভালো লাগলো দেখে, ইন্ডিয়া আসলেই গ্রেট বলতে হবে। আমরা ছোট দেশ, আমাদের অনেক কিছুই কম আছে, ইন্ডিয়া তো বড় দেশ, অনেক কিছুই বেশি। টয়লেট ইস্যুটা, এটা আসলে ফ্যাক্টর। আমারও এটা মানে আজব লাগে যে ইন্ডিয়া তো বড় একটা দেশ, এত সব কিছু তারা এত এগিয়ে যাচ্ছে, টয়লেট ব্যাপারটা আসলেই তারা অনেক পিছিয়ে। যদি শহর কিংবা বা মডার্ন সিটিগুলোতে এটার কোনো সমস্যা নেই, এটা গ্রামে মানুষগুলোকে বোঝানো অনেক কঠিন। আমাদের দেশেও একসময় এরকম সমস্যা ছিল, এখন আমাদের মনে হয় না আমাদের দেশে টয়লেট ছাড়া কোনো ফ্যামিলি আছে, গ্রাম শহর সব জায়গাতে। সো ভিডিওটা খুব ভালো ছিল, এটা সেকেন্ড পার্টও আছে, তো সেকেন্ড পার্টটা করবো ইনশাল্লাহ নেক্সট টাইম। সো যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। আমার ইন্ডিয়ান সাবস্ক্রাইবার যারা আছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর একটা ভিডিও সাজেস্ট করার জন্য। এমনিতেও আমরা তো ইন্ডিয়া তো আমাদের প্রতিবেশী, এমনিতেই জানতে হয়, অনেক কিছু খোঁজখবর রাখতে হয়। আর বলিউড তো মানে কী বলবো, বলিউড সম্পর্কে না বলাই ভালো, আমরা বলিউডই দেখি সবসময়। সো ওকে, দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে।